नमस्कार, संदीपा किचन में आप सभी का स्वागत है। अभी तो दिवाली का उत्सव चालू होने वाला है, तो हम एक एक बहुत एकदम टेस्टी व्यंजन बनाते रहते हैं। तो उसी में से एक सबको घर में पसंद आने वाली है चकली, जो आज हम बनाने जा रहे हैं, कुरकुरी और बहुत टेस्टी। तो आइए बनाते हैं। उसको किस टाइप से बनाना है, कैसे नाप लेना है, तो चलिए। तो ये मैंने चावल ली हूँ, घर का पुराना चावल है ये और काली मूँछ है, तो इसमें मैं 4 कप लेती हूँ। एक कप, दो, तीन और ये 4 कप चावल ली हूँ मैंने इसके लिए। और चना दाल ली हूँ चावल से आधी, माने 2 कप, 2 कप चना दाल। अब इसको हमको 2-3 पानी से साफ धोना है चने दाल को। इसको है उड़द की धुलीदार, जो इसको मैंने ली हूँ 1/2 कप। और ये जो है इस कप से मैंने, ये मूंग की धुली दाल है, इसको मैंने 1 कप ली हूँ। तो ये है 1 कप धुली मूंग की दाल। इसका ऐसा माप है जैसे कि ये 4 कप, चना दाल 2 कप और ये 1 कप और इससे 1/2 उड़द की धुली दाल। तो इसको हम धो लेते पहले। अभी मैंने चावल को बहुत अच्छे से धो ली हूँ। अब इसको मैं छन्नी में निकाल लूंगी थोड़ा सा पानी झरने के लिए। अब जो हमने ये चद्दर बिछाया है उस पे चावल को सुखा देंगे। अब ये चना दाल को भी हमने छन्नी में निकाल लिए थे पानी झरने तक, अब इसको भी हम थोड़ा सुखा देंगे। ऐसे करके सभी को सुखा लेंगे अच्छे से। ये मूंग की दाल है, इसी के बाजू में उड़द की दाल को सुखा देंगे। मैं से 1/2 चावल डालूंगी, पहले 1/2 अच्छे से भून लूंगी। तो ये हमारी चना दाल भी भून के तैयार हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम मूंग की धुली दाल डाल देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। तो अब हमारी ये मूंग की धुली दाल भी तैयार है भूंज के, इसको निकाल लेते हैं। अब हम उड़द की धुली डालेंगे इसमें और इसको भी ऐसे ही भून लेंगे खमंग गोल्डन। तो ये देखो हमारे धने और जीरा भी तैयार हो गए, अब इसमें मिला लेते हैं। अब हमको इसको आटा चक्की पे ले जाकर, जो बेसन पहले अपने घर की दाल भी दे सकते हैं आप, चना दाल देकर उसी के ऊपर इसको पिसाना है, नहीं तो गेहूं का आटा इसमें मिल सकता है। इसलिए चक्की वाले को आप बता दें कि ये जो है आप बेसन के ऊपर ही पीसे। तो ये हमारा तैयार हो गया, अब इसको हम पीसने के बाद दिखाएंगे। तो अब हमने इसका चकली का आटा पिसा के लाए हैं, उसका 1.25 किलो आटा तैयार हो गया है। अब इसकी हम चकली बना लेंगे। तो हमने 2 कप आटे के लिए 2 कप पानी डालना है। इसको अच्छे से उबलने देना है। इसके लिए हमने लिए हैं नमक, सफेद तिल, अजवाइन, हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद ये ऑयल लिए हैं, और ये है चकली बनाने का साँचा।
तीन चम्मच तिल्ली डालेंगे, उसके बाद एक चम्मच अजवाइन, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। हल्दी दो पिंच और मिर्ची दो चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और तेल डालेंगे इस चम्मच से दो चम्मच। अब ये हमने दो कप, इस कप से दो कप आटा लिए हैं, इसको अब हम इसमें मिला लेंगे। अब इसको गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से मिला के ढक्कन रख देंगे। अब इसको 15 मिनट हो गए हैं ढककर रखे थे, अब इसको हम कोपर में निकाल लेंगे। हाथ में थोड़ा तेल लगा के इसको अच्छे से एक सार कर लेंगे। आटा भिगा लिए हैं, अब इसको हम सांचे में डाल देंगे। टाइप की मैंने एक पॉलिथीन इस पर रख दी है, आप कोई थाली में भी तेल लगाकर बना सकते हैं या प्लेट पे। अब हम निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ इसको जोड़ देना है। अब हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चकली डालना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी देखो इतनी सारी दो कप में चकली तैयार हो गई है। आप इस आटे को अच्छे से रख सकते हो और जब मन चाहे तब भी आप इसको बना सकते हैं इसी प्रोसेस से। तो आप देखो चकली कैसी बनी है।